हेलो स्टूडेंट्स, सो देखिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और 1.1 ऑलरेडी मैं फिनिश कर चुका हूं, तो जिन्हें बच्चों ने ना देखा आप प्लेलिस्ट में विजिट करें और वहां से आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो देखिए, आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 में बेटा, तो बेसिकली वो सारे क्वेश्चन आपके डिपेंड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें हमें जान लेनी चाहिए, भाई पहले उसका हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, किसकी बात करें बेटा, बता रहे हम किसकी बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेसिकली आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में रखना होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो बेसिक पूरा टर्म होता है कैसा लिखा जाता है, उसे हम कुछ ऐसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। जहां देखिए, ये आपके ए बी और सी, यहाँ पे बेसिकली आप एक्स स्क्वायर की कोफिशियंट कहलाएगा, एक्स का कोफिशियंट बी कहलाएगा, और सी यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म कहलाएगा। तो बेसिकली ये आपको अपने दिमाग में रखना है कि ये कैसा एक इक्वेशन कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। यानी क्वाड्रेटिक को आइडेंटिफाई किस कैसे करते हैं, जहां पे आपको डिग्री यानी कि मैक्सिमम डिग्री क्या मिल जाए, 2 मिल जाए बेटा, उससे आप लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो चलिए आइए देखिए इसमें आपको कैसे सॉल्व करना होगा। अगर इसके लिए हमें जीरो वाला कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ था वो दिमाग में रखना होगा। तो देखिए, अगर हमें जीरोस निकालना होता है तो जीरोस निकालने के लिए बेसिकली हम पहले इसे एक फॉर्मेट में क्या लिख लें, इसे बेटा हम लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें बोला जाता है इसके आप इक्वल कितने जीरोज हो सकते हैं, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। तो बेटा देखिए, जिसकी मैक्सिमम कुल जितनी डिग्री होगी उसमें कुल उतने ही जीरोज होती हैं। तो यहां पे देखिए, इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी बेटा, 2 है, यानी कि इसकी जो टोटल नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, जिसमें हम एक को अल्फा मान सकते हैं और दूसरे को हम क्या मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं। और जो जीरोज की जो सिचुएशन होती है वो आपको मालूम होना चाहिए कि जीरोज की सिचुएशन जीरोज कब होता है, यानी जीरोस एक्चुअल में एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो एक्स की वैल्यू होती है। अगर उस एक्स की वैल्यू को आप इस पूरे इक्वेशन में अगर पुट करेंगे रखेंगे तो आपको जो पी एक्स है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। आई होप कितना आपको मालूम होगा, यानी कि इस पूरे फॉर्मेट को जब आप सॉल्व करेंगे तो पी एक्स की वैल्यू 0 मिलेगी, यानी पी एक्स की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, 0। इट मीन्स दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब इसको सॉल्व करेंगे आप उस यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू रखने पे, तो डेफिनेटली इसका जो रिजल्टेंट आपको मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। अब इस पर देखिए है क्या, जो कोफिशियंट्स होते हैं यानी कि ए बी और सी और अल्फा और बीटा, इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा, आपको उसे रखना चाहिए, बिल्कुल याद करके रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो इस पर हम लोग बात करते हैं। जब देखिए, अगर हमने यहां मान लिया, एज्यूम कर लिया कि ये जो इक्वेशन यहाँ पे दिया गया, ये जो पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया गया है, इसके जो जीरोज हैं वो कौन कौन से, अल्फा और बीटा हैं, तो इस सिचुएशन में होता क्या बेटा, सॉरी, जब आप इन दोनों टर्म को ऐड करते हैं, यानी कि अल्फा और प्लस बीटा, इन दोनों जीरोज के प्रकार जब आप ऐड करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, जो बी आप देखें ना बी, तो बी की जगह पे जो भी वैल्यू होगी आप उसको लिखेंगे और साथ में माइनस ऐड कर देते हैं, और नीचे आप क्या लिख लेते हैं, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है यानी कि ए, आप उसको लिख लेते हैं। दूसरे लैंग्वेज में बेटा आप इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये जो बी है, बी एक प्रकार से क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स है, यहां पे आप इसे लिख सकते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन में ए क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप दूसरे लैंग्वेज में इसको आप ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं। तो यहां पे आपको मेन चीज बस ये समझना है, जो भी x का टर्म होगा, कोफिशियंट होगा, वो यहां पे माइनस बी कहलाएगा, और जो x स्क्वायर का टर्म होगा वो हर बार आपको डिनोमिनेटर में ही मिलेगा, नीचे मिलेगा। तो एक तो आपको क्या इस फॉर्मेट को याद करके रखना है, अगर आपको 2.2 सॉल्व करना है। सेकेंड नंबर में आपको याद करना है बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा और बीटा ये जो दो है दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन को हम कैसे लिखते हैं, ए
इसमें जो आप ये सी देख रहे हैं तो सी की जगह पे जो भी वैल्यू होगी जिसे कॉन्स्टेंट वैल्यू बोलते हैं बेटा, वो वैल्यू बेसिकली कहाँ होगी, न्यूमरेटर की जगह पे होगी। और इसके बाद फिर से आप जो एक्स स्क्वायर का जो यहाँ पे आप कोफिशिएंट ए देख रहे हैं, फिर से ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यानी देखिए अल्फा प्लस बीटा में भी ए नीचे ही था, डिनोमीटर के प्लेस पे था, और अल्फा इंटू बीटा में भी डिनोमीटर की जगह पे ही था। चेंजेस कहाँ पे है, यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे सी है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसको देखिए हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए तो सी को सिंपली हम कॉन्स्टेंट टर्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ये कैसा टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म, यानी कि जो भी कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी वो हो जाएगी। और ए क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो आपने ऊपर लिखा हुआ है, सेम पॉइंट आप यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले आपको पूरे अपने दिमाग में रखने हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। पहला क्या कि अगर ऐसे कोई इक्वेशन दिया गया है वहां पे आप तो ये आइडेंटिफाई करना सीख जाएं, ए बी सी ये टर्म होंगे, जो एक्स स्क्वायर के साइड में जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपका ए कहलाएगा, एक्स के साथ में जो वैल्यू मिलेगी वो बी कहलाएगा, और कॉन्स्टेंट के साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जीरोस कितने होंगे, दो, अल्फा और बीटा उसे हम मान सकते हैं। अगर उनका हम एडिशन करेंगे तो हमें माइनस बी बाई ए का फॉर्मूला याद रखना है, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है सी बाई ए का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो अभी बेटा इसका हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सो लेट मी रब इट फर्स्ट। सो आई विश कितना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आइए इसको रब करते हैं और आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। अब बेटा आप लोग इस पूरे चैनल पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोस होगी वो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो देखिए यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहा हूँ बेटा, आपका दिया गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ओके, तो आप देखिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं आपका। देखिए यहाँ पे बेटा पहला क्वेश्चन दिया गया है दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एंड माइनस एट। तो देखिए यहाँ पे आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा दिया गया है, अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे है क्या कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि इसके जो जीरोज है इसका आपको क्या निकालना है, जीरोज निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है जीरोज का यानी कि अल्फा और बीटा का रिलेशन दिखाना है किसके साथ में, इनके कोफिशियंट के साथ में। कोफिशियंट कौन कौन से, यहाँ पे जैसे टू है, यहाँ पे एट है, और एक्स का कोफिशियंट वन कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए जरा पहले इसे जीरोस निकालें, जीरोस कैसे निकालते हैं वो देखते हैं बेटा। तो पहले यहाँ पे आप देखिएगा इसको करने का तरीका ये होता है, मैंने आप क्लास नाइन्थ में भी पढ़ाया हुआ था कि जो आप यहाँ पे ये वैल्यू देख रहे हैं टू एक्स माइनस ए, इसका आप पहले कंपेरिजन कर लीजिए या फिर डायरेक्टली आप पहले फैक्टर ही कर लीजिए। तो देखिए फैक्टर हम कैसे करते हैं, यहाँ पे आप एज्यूम करेंगे वन, क्या एज्यूम करेंगे वन, जब किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू ना दी गई हो तो वहां पे आप क्या एज्यूम करते हैं, वन एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे आपको बेटा करना क्या है कि अगर इसे लेट कर लीजिए आप ऐसे, बल्कि इसको ऐसे कर लीजिए लेट पी एक्स, इसको आप क्या मान लीजिए पी यानी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स यहाँ पे दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस पी। अब देखिए अगर आपको जीरो फाइंड आउट करना है तो जीरो से केस में क्या होगा, इन केस ऑफ जीरोस ये जो पी एक्स की वैल्यू है बेटा ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू जीरो, यानी इसकी जगह पे आपको क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है। इट मीन्स दैट इस टर्म को हम पहले लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, पहले काम तो आपको इतना ये करना है। फिर देखिए आपने करना क्या, ये जो आप एट देख रहे हैं एट का मल्टीप्लाइड में कराते हैं यहाँ पे जो कोफिशियंट होगा, यहाँ पे कोफिशियंट क्या है, वन है, तो एट वन जा एट बेटा ये कितना हो जाएगा, एट वन जा एट। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे जो एट है बेटा माइनस, यानी माइनस एट और वन का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको माइनस एट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, माइनस एट मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप स्प्लिटिंग मेथड ऐसा लगाना है, टू को ऐसा आपको ब्रेक करना है कि उन दो डिजिट को मल्टीप्लाई करने में बेटा आपको एट मिले, बट चूंकि माइनस में है तो वो दोनों टर्म आपस में माइनस होने पर क्या होनी चाहिए, दो। इसे हम लोग सॉल्व कर दें, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक्स को आप आगे लिख लिया करें जिससे आप जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब क्या इस टू को हम बेटा फोर माइनस टू लिख सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल, क्योंकि फोर में से टू आप माइनस करोगे
देखो आपको 2 मिल जाएगा, और 4 और 2 का इनटू करेंगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला 8 मिल जाएगा। तो बस यहाँ से हमारा लगभग लगभग क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस एक्स का बेटा माइनस एक्स के अंदर क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 4x, यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और इस x का आप 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे सो यू आर गोइंग टू गेट 2x। नाउ हियर इट विल बी 8 एंड इट विल बी इक्वल टू 0। नाउ व्हाट विल बी द आवर फर्दर प्रोसेस, दैट वी हैव टू टेक कॉमन वैल्यू फ्रॉम दीस टू। सो व्हाट इज कॉमन इन x स्क्वायर इन माइनस 4x, द कॉमन वैल्यू इज x, क्या कॉमन x कॉमन है, यहाँ पे x को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, द रिमेनिंग वैल्यू विल बी x माइनस, फ्रॉम हियर आल्सो वी विल रिमूव x बिकॉज हियर इज कॉमन, सो हियर विल बी 4। नाउ प्लस सिंबल, व्हाट इज कॉमन इन 2x एंड माइनस 8, हियर इज कॉमन 2, सो व्हेन विल रिमूव 2 फ्रॉम दिस टर्म, देन हियर विल बी ओनली x एंड हियर विल बी माइनस 4 बिकॉज 2 4 इज इट विल बी इक्वल टू 0। नाउ लुक हियर अगेन वी हैव नाउ 2 टर्म, so what is the common value in these two term, here x minus 4 and here is also x minus 4, it means that the common value is x minus 4. Now when we'll take common this value x minus 4, so what will be the remaining value here, here will be x, yahan pe kya bachne wala beta, x bachne wala, x ko yahan pe likh lete hain aur yahan pe kya bachega, x plus 2। so now here we got two scenarios, hame yahan pe kitne scenario mil gaye, two scenario mil gaye hain, to yahan pe hum likh lete hain If, क्या लिखेंगे, अगर हम पहले इस टर्म को जीरो के इक्वल रखें, इफ एक्स माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, देन एक्स विल बी इक्वल टू 4। आई विश कितना समझ में आ गया होगा। एंड द सेकेंड स्टेप, एंड इफ अगर यदि हम इस वाले टर्म को जीरो के इक्वल कर दें, मींस दैट इट विल बी एक्स प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0, सो फ्रॉम हियर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, so when we will shift this plus 2 towards this side then it will become minus 2। so look from here we got zeros of given equation here 4 and minus 2। to hame dekhiye pehla cheez to hame yahan pe mil gaya hai inke zeros kya honge, that 4 and minus 2 will be the zeros, but abhi dekhiye hamara question yahi pe finish nahi hota hai beta, yahan pe keh kya raha hai ki aapko ek verification karna hai, kiske beech mein, coefficient ke beech mein aur zeros ke beech mein। to chaliye yahan pe hum kya karte hain, pehle लेट मी रब इट, सो यहां पे हम क्या करते हैं, इसको आई सॉल्व करते हैं। सो यहां से जीरोस इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, 4 कॉमा माइनस 2, इट मींस दैट, और लेट हम कर लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। नाउ वी नो हम कोफिशिएंट वाला में जो रिलेशन पढ़ा हुआ है उसमें इसे पुट करके देखते हैं। द फर्स्ट वन विच वी हैव स्टडीड, व्हाट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अब देखिए यहां पे जो इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी अज्यूम कर सकते हैं। तो जब आप यहां से देखिए कंपेयर करेंगे तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, जैसे आपको मालूम जब आप धीरे धीरे करके बेटा आपको रट जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर यहां पे ए रहता है ना साइड में, ए की जगह पे यहां पे आपको क्या मिला हुआ, 1। फिर देखिए बी का टर्म आता है बेटा, बी की जगह पे यहां पे आप देख रहे हो यहां पे आपको कितना लिखा हुआ, माइनस 2। तो यहां पे आपको सारी वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए। और सी की जगह पे देखिए क्या लिखा हुआ, माइनस 8। तो यहां पे सी इज इक्वल टू आपको क्या पुट करना है, माइनस 8। तो देखिए यहां पे ये टर्म आपको मिल गए हैं, तो चलिए इसे पुट करके देखते हैं क्या हमारा जो रिजल्ट है वो वेरीफाई हो रहा है। सो अल्फा हमने कितना फाइंड आउट किया हुआ है, 4, so let's put it 4, and what is the value of beta, minus 2, so here we will put minus 2। now what is the value of b, so minus 2 will minus put kar dete hain, now value of b is also minus 2, so yahan pe humne kya karna, minus 2 ko put karna hai। what is the value of a, it is 1, ye kya beta 1 hai, to chaliye se hum solve karte hain, dekhiye yahan pe aaj aur solve karenge, so plus minus minus and minus it will become plus, so here we write it 2। 1 को तो रिमूव कर देना, 1 तो लिखा जाता नहीं as you all, so it will become what, तो यहां से देखिए आपको 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 and again 2, so यहां से देखिए हमें क्या मिल गया है, LHS is equal to RHS,
यानी कि आपका जो ये वाला देखिए टर्म ये क्या हो गया वेरीफाइड हो चुका है, यानी कि आपका जो आंसर आया हुआ दैट इज करेक्ट। नाउ हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या करना है वो चेक करना, तो यहां से आप चाहे कर लीजिए लेट राइट। हमने ऊपर क्या किया सम ऑफ जीरोस चेक किया, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो लुक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 4, लेट पुट इट मल्टीप्लाई माइनस 2 सम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी हियर इट इज माइनस 8, सो लेट पुट इट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इट इज 1। सो नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई विद दिस 4 2 इज 8 माइनस 8 एंड हियर इज ऑल्सो माइनस 8, सो अगेन लेट्स राइट इट हियर LHS is equal to RHS means this term also has been verified because both the sides are equal. So let's write here verified. So देखिए कितने इजी वे में भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, तो आई विश आपको समझ में आया होगा। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को और इसे सॉल्व करते हैं। ओके मीन वाइल आपको कैसा है इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स देखिए अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लिया है। सो लुक हमने देखिए फिर से वही काम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे लेट मान ले लेट। देखिए इस बार क्या किया कि यहाँ पे एक्स की बजाय एस वैल्यू पुट की गई है, सो लेट इसे हम क्या मान लेंगे पी एस मान लेंगे, क्या मान लेंगे एस यानी पॉलिनोमियल ऑफ एस। सो हियर इट विल बी 4 एस स्क्वायर माइनस 4 एस प्लस 1। नाउ इन केस ऑफ जीरोस हम क्या लिखेंगे इन केस ऑफ जीरोस इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, पी एस विल बी इक्वल टू जीरो। सो हम क्या लिख सकते हैं सो 4 एस स्क्वायर माइनस 4 एस प्लस 1 विल बी इक्वल टू जीरो। सो लेट्स यूज द स्प्लिट थ्योरम, यहां पे हमें क्या करेंगे स्प्लिट करके हम पहले क्या निकालें जीरो की वैल्यू निकालनी है। सो आपका जो फॉर्मेट होगा क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे यहां पे देखिए ए की वैल्यू कितनी बेटा 4 है, b की वैल्यू माइनस 4 है और c की वैल्यू 1 है, आपको पता होना चाहिए। यहां पे यानी पहला टर्म s स्क्वायर का टर्म a, s का टर्म b और कांस्टेंट टर्म शुड बी c। सो आप पहले 1 और 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे, सो लुक यहां पे जब 4 और 1 का इस बार ही बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 4, वो मिला पॉजिटिव क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, यानी कि इस बार आपको इस 4 को बेटा ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने में तो आपको 4 ही मिली बट एड करने पे चूंकि सब पॉजिटिव है ना पॉजिटिव यानी प्लस, यानी कि इस टर्म को ऐसे ब्रेक करिए कि प्लस करने में आपको 4 मिल जाए। तो आइए देखते हैं क्या बनेगा। सो 4 एस स्क्वायर माइनस एस को हम पहले लिख लेते हैं, अब के इस 4 को देखिए हम 2 प्लस 2 लिख सकते हैं बिकॉज देखिए 2 प्लस 2 हमें 4 भी मिल जाएगा एंड 2 इंटू 2 हमें 4 भी मिल जाएगा बिकॉज हमें यहां पर इसकी क्या थी रिक्वायरमेंट थी। ओके सो नाउ प्लस 1 द होल विल बी इक्वल टू 0। Now let's multiply this. So 4s square minus s multiplied with 2. It means that we will get minus 2s. Again we will get 2s because minus s and 2. Okay? And plus 1. अभी आगे में क्या करना होता है 2 2 terms हमें common value निकालनी होती है। So यहाँ पे देखेंगे तो आपको 2s common मिलेगा because 2 से 4 भी divisible है, 2 तो divisible ही है and s is also common. So here I have taken 2s as a common. So यहाँ से 2 2 is a 4, भाई 4 था यहाँ पे तो 2 2 is a 4 बचा, s square में से 1s बाहर आ गया, it means that here will be s. And now इस 2s को मैं पूरा ही बाहर निकाल लिया, यानी कि अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा. Okay? अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2s और 1 में बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है, ये टर्म आप देखिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स दैट यहाँ पे आप माइनस 1 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन बेटा लेने वाले यहाँ माइनस 1 कॉमन। अब देखिए हमने यहाँ पे माइनस 1 ही क्यों कॉमन लिया, माइनस 1 इसलिए कॉमन लिया बिकॉज यहाँ पे देखिए आप इस टर्म को लेट मिला भाई और क्लियरली मैं लिख लू जिससे कि कंफ्यूजन ना, दिस इज माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। सर ध्यान से देखिए यहाँ पे माइनस 2s लिखा हुआ है बट इस ब्रैकेट के अंदर में प्लस 2s लिखा हुआ है, तो हमें इसके जैसा सेम हमें यहाँ पे टर्म चाहिए बट ये तो माइनस में है, इसको प्लस में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लिया माइनस लिया। तो जैसे माइनस बेटा कहीं पे कॉमन लेते हैं तो ऑलवेज याद रखिएगा सिंबल्स ऑलवेज चेंज हो जाती है।
3 माइनस बन जाएगा प्लस, यानी इट विल बिकम 2s, एंड ये जो प्लस 1 है ये क्या बन जाएगा, माइनस 1 बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए इस पूरे टर्म में, इस पूरे टर्म में अभी दो टर्म हमें मिल गया, ठीक है, इस पूरे टर्म में जो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 2s1 आपको कॉमन मिलेगा। सो लेट्स टेक इट आउट, तो 2s माइनस 1 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, इट मींस दैट यहाँ पे क्या बचेगा, 2s माइनस 1। तो यहाँ पे हमें देखिए फिर से वही दो केस मिल गए, फर्स्ट केस है सेकेंड केस। सो द फर्स्ट केस इज इफ यानी 2s1 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0, और ये इसके इक्वल रहेगी किसके, 0 की, तो हमें s की वैल्यू क्या मिल जाएगी, s इज इक्वल टू बेटा में मिल जाएगा हाफ। हाफ कैसे मिला देखिए यहाँ पे, बिकॉज 1 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा एंड ये 2 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। एंड इफ, और जो दूसरी सिचुएशन है उसे हम क्या बोलेंगे, अगेन एज इट इज सेम, वही सिचुएशन है, सेम नंबर मिला हुआ है, विल बी इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस बार भी s की वैल्यू हाफ ही मिलेगी। तो इट मीन्स दैट वी गॉट अवर जीरोस, यहां पे हमें दो जीरोस मिले हैं एंड बोथ आर हाफ, यानी कि 1/2 है 1/2, हमें इतना तो निकाल लिया, बट इट्स टाइम फॉर वेरिफिकेशन, तो चलिए ये वेरिफिकेशन कर लेते हैं। सो जीरोस हमें मिल गए हैं, जीरोस आर व्हाट, सो जीरोस इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2, एंड एक चीज यहां पे स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, एंड सभी की वैल्यू लिखते हैं इस बार, a की वैल्यू देखिए हमने यहां से क्या फाइंड आउट किया, a की वैल्यू बेटा कितनी बचे, 4 है, कितनी है 4 है, सो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू देखिए -4, आपको ये पूरा लेना है, ठीक है, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1, सो c इज इक्वल टू, हियर आई हैव रिटन 1, ओके। नाउ हमें क्या करना है, पहले सम ऑफ जीरोस निकालना है, तो सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, मींस दैट यहां पे चाहे ब्रैकेट में क्या कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए, एंड हियर माइनस बी अपॉन ए, नाउ लेट्स राइट इट, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, फॉर हाफ एंड बीटा इज आल्सो हाफ इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, माइनस 4, तो ये जो माइनस बी है इसका माइनस हम पहले लिख लेते हैं, बच्चे अक्सर यहां पे मिस्टेक करते हैं, बेटा आप लोग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करिएगा कि माइनस 4 देखा माइनस लिख दिया और माइनस 5 लगाना भूल गए, मिस कर दिए, इस माइनस को पहले पुट करिए, ये जो माइनस दिया गया है माइनस 4 ये आप अंदर लिखेंगे, नाउ वैल्यू ऑफ ए इज ऑल्सो 4, सो लुक हाफ एंड हाफ, व्हाट विल बी द रिजल्ट, 1, जैसे कि आप हाफ एंड ब्रेड को, हाफ ऑफ एप्पल से उनको आप एक साथ ले आएंगे तो 1 मिलेगा ना, तो आई विश ये तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था, माइनस एंड माइनस इट विल बिकम प्लस, ये तो आपको आइडिया लग ही गया होगा, एंड 4 एंड 4 इट विल बी रिड्यूस्ड, सो लुक अगेन वी गॉट 1 एंड 1, मींस दैट आर एच एस मींस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो यहां से हमारा ये भी क्या हो चुका है, वेरीफाई, दिस टर्म हैज बीन वेरीफाइड, नाउ इट्स टाइम फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन, सो लुक व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इनटू बीटा, आप जस्ट शॉर्ट फॉर्म में यहां पे आप लिख दीजिए, ओके, तो देखिए यहां पे अल्फा इनटू बीटा, इट मींस दैट हाफ इनटू हाफ इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, इट इज 1 एंड वैल्यू ऑफ ए इज 4, सो द so 1 1 1 and 2 2 is 4 is equal to 1/4, so look again we got the same value, it means that our answer is correct, that LHS is equal to RHS, so our this term also has been verified, so मैं साइड में जाता हूँ, आप लोग इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट्स को प्रॉपरली मेंटेन कर लीजिए, सो आई विश कि आप लोगों ने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। Now let's solve the next question. So let me rub it first. और मेरे वाले बच्चा लोग सभी लोग वीडियो को बढ़िया से शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिले और मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ मेरा जो एफर्ट है आप लोगों के लिए यूजफुल है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं मुझे भी पढ़ाने के लिए। So now let's take question number 3. It is given that 6x² - 3n - 7. अच्छा क्वेश्चन, आइए सॉल्व करते हैं। सो मैं देखिए पहले क्या करना है, वही सिस्टम की लेट, इसे इस बार क्या मानेंगे, px मानेंगे, क्या मानेंगे, x, बिकॉज x के टर्म में इक्वेशन दिया गया है, सो टर्म क्या हो जाएगा, 6
एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स। तो देखिए इस बार बस एक इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या किया कि कॉन्स्टेंट टर्म को पहले कर दिए हैं और वेरिएबल को बाद में लिखा है। आप अपने प्रॉपर ऑर्डर में कर लीजिए, वेरिएबल को आप पहले ला लीजिए, कॉन्स्टेंट को बाद में ले जाइए। अब यहां पर देखिए क्या इन केस ऑफ जीरो पी एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। सो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे आपकी जो पूरा इक्वेशन दिया गया इसको आप जीरो कर लीजिए। इट मींस दैट वी में राइट सिक्स एक्स स्क्वायर, देखिए ये पूरे टर्म को मैं पहले ला रहा हूं, ठीक है, माइनस सेवन एक्स एंड देन कॉन्स्टेंट टर्म होल विल बी इक्वल टू जीरो। अभी देखिए हमें फिर से वही काम करना है। सो इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए, अब तक हो भी गया होगा। सो इट इज ए यानी सिक्स, ए की वैल्यू कितनी है सिक्स है, बी की वैल्यू माइनस सेवन है और सी की वैल्यू बच्चा कितनी है माइनस थ्री है। तो यहां पर हमने क्या करना है, सी यानी सी की वैल्यू को ए की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। सो माइनस थ्री मल्टीप्लाई सिक्स इज इक्वल टू माइनस एटीन। सो देखिए हमें रिजल्ट बेटा माइनस में मिला है, यानी कि आपको इस सेवन को ऐसे ब्रेक करना है कि माइनस करने पर सेवन आए और मल्टीप्लाई करने पर आपको बच्चा कितना मिले एटीन। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे मिलेगा। सो हमने इसे लिख लिया सिक्स एक्स स्क्वायर और एक्स टर्म को हमने पहले बताया कि आप पहले लिख लिया करिए। अगर हम सेवन को नाइन माइनस टू कर दें तो लुक नाइन माइनस टू विल गेट सेवन एंड माइन नाइन मल्टीप्लाई विथ टू विल गेट एटीन। सो वी आर करेक्ट। नाउ माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, नाउ लेट्स मल्टीप्लाई। सो सिक्स एक्स स्क्वायर हियर इज माइनस एक्स, तो माइनस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट माइनस नाइन एक्स। हियर इज माइनस एंड हियर इज ऑल्सो माइनस, माइनस एंड माइनस प्लस, आई विश कि आपको पता होगा ये प्लस हो जाता है एंड एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे टू से सो वी विल गेट टू एक्स। नाउ माइनस थ्री इज हियर सो लेट इट राइट। नाउ इट्स टाइम टू टेक कॉमन वैल्यू। सो लुक इस पूरे टर्म में अगर आप देखेंगे कॉमन वैल्यू सो थ्री इज कॉमन बिकॉज थ्री टू सिक्स एंड थ्री थ्री इज अलाइन एंड एक्स इज ऑल्सो इन बोथ द टर्म। सो व्हाट विल बी द कॉमन वैल्यू, कॉमन वैल्यू विल बी थ्री एक्स बच्चा। ओके सो सिक्स में से आप थ्री कॉमन लेंगे मींस दैट थ्री टू जा सिक्स, आप ऑलवेज टेबल काउंट कर दें, ठीक है। एक्स स्क्वायर से हमने एक्स को रिमूव किया तो यहां पे केवल एक्स बचेगा, ये थ्री थ्री जा नाइन, सो थ्री यहां पे हमने लिख लिया, एक्स ऑलरेडी हमने रिमूव कर दिया, हियर विल बी व्हाट टू एक्स माइनस थ्री एंड नॉट हियर। सो इस बार देखिए हमें यहां पे कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं मिल रही है, बट जहां पे कोई भी कॉमन वैल्यू ना मिले वहां पे आप वन कॉमन लेते हैं। अब देखिए इस बार हमने प्लस वन कॉमन लिया था, लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा हमने यहाँ पे माइनस वन कॉमन लिया था। माइनस वन क्यों किया था, क्योंकि यहाँ के टर्म को हमें वहां पे प्लस करना था। लुक यहाँ पे हमें ये जो टर्म मिल रहा है ना आपको माइनस टू सॉरी प्लस टू, तो ऑलरेडी ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस वन लिया क्योंकि हमें सिंबल को चेंज नहीं करना है। सो अगेन वी विल गेट, जब हमने प्लस वन कॉमन लिया तो सिंबल चेंज होगा नहीं, सो इट विल बी इक्वल टू जीरो। लेकिन जब प्लस कॉमन लेते हैं तो सिंबल चेंज नहीं होता है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना है। इस पूरे टर्म में आप देखेंगे क्या कॉमन, टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री कॉमन है तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। सो व्हाट विल गेट दिस थ्री एन प्लस वन, सो थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सो देखिए हमें फिर से वही सिनेरियो मिल गया जैसे अभी तक मिलते थे, दो हमें यहाँ फैक्टर मिल गए हैं। तो यहाँ पे आप बेसिकली कैसे लिखेंगे, इफ क्या लिखेंगे, इफ टू एक्स माइनस थ्री विल बी इक्वल टू जीरो, तो क्या मिलेगा, ये थ्री उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा और टू अपॉन में आ जाएगा, मीन्स दैट एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू। एंड इफ, एंड इफ का मतलब आप दूसरे टर्म को लिख लेंगे दिस टर्म, व्हाट थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सो लुक यहां से प्लस वन उधर जाएगा माइनस हो जाएगा थ्री अपॉन में आ जाएगा, इट मीन्स दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री। सो हियर वी गॉट अवर जीरोस, हमारे जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे, these are the zeros. Now it's time to show the relationship between coefficient and zeros. यहां से हम लिख लेते हैं, here alpha is equal to 3 by 2 and beta is equal to minus 1 by 3. So let's write it. हमने यहां पे लिख दिया है and यहां पे हम ABCD की वैल्यू भी कर लेते हैं। सो देखिए ए यानी कि पहला टर्म एक्स स्क्वायर वाला कोफिशियंट, सो ए इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू सिक्स कॉमा वैल्यू ऑफ बी। तो देखिए बी ने आप एक्स का टर्म देखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
सो बी इज इक्वल टू लुक माइनस सेवन ओके सो हियर वी विल राइट माइनस सेवन एंड कॉन्स्टेंट वैल्यू इज माइनस थ्री इट मीन्स दैट सी इज इक्वल टू माइनस थ्री सो वी गॉट इट एंड नाउ लेट्स फाइंड आउट सम ऑफ जीरोज सम ऑफ जीरोज को हियर यू मे राइट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए सो अल्फा मीन्स दैट हियर 3 by 2 and plus here it is minus 1 by 3 okay now is equal to minus b it means that minus 7 so minus already put karenge fir minus 7 andar likhenge aur a ki jagah pe aapne kya fit karna hai so from here what we may do 2 or 3 ka hum lcm lena hoga which will be 6 ye kya hoga beta 6 hoga Now, 2, 3 जा, 6, 3 times get means that ऊपर 3 का multiply करेंगे तो मिल जाएगा 9, plus and ये minus मिल गया, minus बना लेगा, 3, 2 जा बचा, 6, 2 times जाएगा, यानि कि यहां पे आप 2 times 2 से multiply कराएंगे, तो 2, 1 जा, 2, now, minus and minus ये plus हो जाएगा, means that 7 upon 6, so यहां पे आप लिख लीजिए, 9 में से 2 minus के, यहां भी आपको 7 upon 6 मिल गया, and here is also 7 upon 6, तो यहां से आप देखिए आपका जो बोथ साइड्स हैं बोथ आर करेक्ट मींस दैट एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस मींस दैट आपका जो ये टर्म है ये बेटा क्या हो गया वेरीफाई हो गया कैसे वेरीफाई हो गया क्योंकि बोथ साइड में बेटा रिजल्ट क्या है सेम अब आपको यहां से क्या निकालना है प्रोडक्ट सो लेट्स डू इट सेम सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए So product means alpha into beta. So what is the value of alpha? It is 3 upon 2 and value of beta is minus 1 upon 3. Now what is the value of C here? It is minus 3. And what is the value of A? It is 6. Here I have written. Now look, ye 3 se ye 3 divide ho gaya beta. I wish ki aapko samajh mein aa raha hoga. So here it will be minus 1 upon 2. Ab zara idhar dekhiye. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, so here is also minus 1 upon 2, so look आपका ये term भी solve हो चुका है, LHS is equal to RHS, here you may write, verify, तो ऐसे देखिए हमारा ये question भी solve हो गया है, कि आई विश आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेटा, comment जरूर करिए, कि जिस concept से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ अगर changes लाने हो, तो let me know in comment box, I will do the same. तो मैं साइड में हो जाता हूं आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आई विश कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सो लेट्स रब इट एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इजी तरीके से देखिए आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बट हाँ ये कि आपको बस जो कुछ मैंने फॉर्मूले बताए इसको बस अपने दिमाग में रखना है और थोड़ी सी बेटा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट तो होगी ठीक है जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको क्वेश्चन आपको देखेंगे आपको इजी लगने लगेगा आप सोचेंगे एक बार मैथ्स आ जाएगा तो आप गलत हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इट इज गिवन हियर 4 यू स्क्वायर प्लस 8 यू ओके सो चलिए सॉल्व कर दें बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पे जरा यहां पे ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में आपको यू स्क्वायर का तो देखिए यहां पे कोफिशिएंट दिया गया है 8 यू यानी यू स्क्वायर का यू का भी दिया गया है बट यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो क्या है जीरो यानी वो मिसिंग है वो नहीं दिया गया यानी वो क्या मान लेंगे आप जीरो मान लेंगे अगेन सॉरी इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे पी यू मान लेंगे क्या मानेंगे पॉलिनोमियल ऑफ यू क्या दिया गया है 4 यू स्क्वायर प्लस 8 यू अब यहां पर लिखिए क्या इन केस ऑफ जीरो देखिए ये तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप किसके केस के लिए सॉल्व करें जीरो के लिए तो क्या हो जाएगा इन केस ऑफ जीरोस पीयू विल बी इक्वल टू जीरो सो तो हम क्या लिख सकते हैं 4 यू स्क्वायर प्लस 8 यू इट इज 8 यू इज इक्वल टू जीरो अब जरा से ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में आप ध्यान देखिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दो ही टर्म है और यहां पे आपको देखिए दोनों में कॉमन वैल्यू भी मिल गई तो आप क्यों कॉमन यही ले ली देखिए 4 टू साइड एक तो 4 कॉमन है और यू कॉमन है ठीक है हमने यहां से 4 और u कॉमन ले लिया है जो 4 u यहां से कॉमन ले लिया यहां पे अंदर केवल u बचा और यहां पे हमने क्या बोल भाई
इसे यू लिख लेते हैं प्रॉपरली जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यू 4 2 8 और ये यू ऑलरेडी बाहर आ गए, विल बी इक्वल टू 0। देखिए आपको दो टर्म मिल गए ना, तो यहाँ केस हम देखिए क्या क्या केस हम मिलेंगे। इफ पहला केस तो मिल जाएगा कि 4u जो पहला टर्म दिया गया है ये अगर 0 के बराबर होगा तो देखिए अगर 4 उधर जाए तो वैसे भी 0 ही हो जाना है, यानी कि बेटा आपको पहला u का वैल्यू क्या मिल गया 0। एंड इफ यानी कि हम दूसरे वाले टर्म को लेंगे, अगर u प्लस 2 किसके बराबर होगा 0 के बराबर, उस केस में u की वैल्यू आपको किस क्या मिलेगी बेटा -2। यहां पे देखिए आपको जो है जीरोस मिल चुकी है, जीरोस यहां पे क्या है 0 है -2, इसे लिख लेते हैं क्योंकि हमें आगे क्या करना है वेरीफाई करना है। यहां देखिए हियर जीरोस इज इक्वल टू 0, -2, ऐसे आप अल्फा बीटा भी मान सकते हैं, कैसे भी लिखिए एवरीथिंग विल बी करेक्ट। एंड अब आप इस वाले इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए, एंड ए इज इक्वल टू देखिए यू स्क्वायर का जो कोफिशियंट यानी स्क्वायर टर्म वाला वो ए होगा, दैट इज गिवन हियर 4। यू का टर्म जो होगा कोफिशियंट 8 है, इट मींस दैट बी की वैल्यू क्या होगी बच्चा 8 होगा। एंड सी चूंकि मिसिंग है दिया ही नहीं गया है, इट विल बी 0। सारी इतना आपको समझ में आ गया हो, आइए सर इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं। तो पहला में क्या निकालना है, सम, so sum of zeros is equal to -b/a, इसको आप क्या लिखें अल्फा प्लस बीटा। यहां पे देखिए आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू करिए, अल्फा यहां पे आप 0 मान लीजिए और बीटा -2 मान लीजिए, तो अल्फा की जगह हमने 0 पुट कर दिया है और बीटा की जगह हमने बच्चा कर दिया -2। अब जरा सा हम b/b/a देख लेते हैं, तो देखिए b की वैल्यू यहां पे आपको 8 दी गई है, 8 और ये जो माइनस इसको पुट कर दिया हमने, और यहां पे ए की वैल्यू कितनी है 2 है, सो लेट्स पुट इट, तो ये तो आपको -2 ही हो जाएगा। यहां 4 1 4 4 2 8 यानी -2, देखिए ये भी आ गया, यानी यहां से देखिए आपका रिजल्ट फिर से वही आ गया जिसको आपकी जिसकी तलाश आपको थी। तो यहां पे आपका ये वाला टर्म क्या हो चुका है, वेरीफाई हो गया है। अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो जीरोज का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, c/a है यहां पे हम लिख कर देंगे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को आप क्या लिखते हैं α/β। अब देखिए α/β यहां पे एक आपका टर्म अल्फा 0 है और बीटा -2 है, और यहां पे आपका देखिए c भी क्या है 0 है और a इज गिवन हियर 4, हमने यहां पे 4 को लिख लिया। आपको ये तो मालूम ही होगा कि किसी भी अगर वैल्यू का 0 में मल्टीप्लीकेशन बेटा होगा, सो वी आर गोइंग टू गेट 0, हमें क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, और कहीं भी अगर आप 0 में किसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तब भी आपको 0 मिलेगा। तो देखिए यहाँ दोनों केस में आपको 0 मिल गया, इट मींस दैट फिर से आपको वही केस मिल गया RHS इज इक्वल टू LHS, यानी कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी यहाँ से आपका रिजल्ट क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो सॉल्व हियर, सो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, सो आई विश कि आप लोगों ने बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सुना आफ्टर दैट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, और इसके बाद जो आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, जिससे कि ये वीडियो ज्यादा लंबे भी ना हो। और इसके बाद आप कमेंट भी करिए कि आपको क्या आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, तो उसी के बेसिस पे मैं आपको बेटा ये अगला क्वेश्चन क्या करूंगा प्रोवाइड। So, look, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, इट इज गिवन हियर दैट t2 t² -15, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट के सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। सो देखिए इसे सॉल्व कर दें, फर्स्ट ऑफ हम क्या करेंगे बेटा, लेट इसको हम क्या मान लेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ t, क्यों, क्योंकि ये किसके टर्म में दिया गया, t के टर्म में दिया गया है, सो इट विल बी t² -15, सो किसके केस में, इन केस ऑफ जीरोस, जीरोस केस में बेटा क्या होगा, द वैल्यू ऑफ एनी पॉलिनोमियल पीटी विल बी इक्वल टू 0, सो व्हाट वी कैन डू, इस पूरे टर्म को हम किसके इक्वल कर लेंगे, 0 के इक्वल कर लेंगे, मींस दैट यू राइट हियर t² -15 इज इक्वल टू 0।
अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए, जब इस पूरे टर्म को देखेंगे यहां पे, तो आपको एक चीज यहां पे रियलाइज होगा कि ये जो टर्म है यहां पे एक्स वाला तो टर्म है नहीं, यानी कि क्या नहीं है भाई, टी स्क्वायर के बाद एक टर्म केवल टी वाला होना चाहिए था, यानी कि टी वाला टर्म यहां पे कोफिशियंट, यानी वो टर्म है नहीं, ठीक है। अब इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे जरा एक रूल आप लोग सुनिएगा यहां पे बेटा, अगर कोई भी वैल्यू रूट के अंदर ऐसे दी गई, यानी रूट ए है, कुछ भी वैल्यू है, अगर बेटा हम इसके स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने भी जो ए अंदर वैल्यू दी गई यही हमें रिजल्ट के फॉर्म में मिल जाती है, यानी कि ए को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, हमें बस यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये जो टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर करेंगे, और इस 15 को बेटा हमें लिखना है अंडर रूट 15, और ये पूरा बना देना है स्क्वायर। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला सुना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका जो रिजल्ट होता है क्या होता है, ए माइनस बी है, ए प्लस बी होता है। इस टर्म में बनाने के हमने यहां पे कर लिया है, यहां जो टी स्क्वायर है उसे आप ए मान लीजिए और अंडर रूट 15 को आप बी मान लीजिए, तो यानी कि एक बार इन दोनों को माइनस करना है, एक बार इन दोनों को प्लस करना है, इसे हम लिख सकते हैं टी प्लस अंडर रूट 15 एंड टी माइनस अंडर रूट 15, इट विल बी इक्वल टू जीरो। देखिए आपको फिर से वही टर्म मिल गए, सो अब आप कर लीजिए, इफ एक टर्म पहले आप जीरो के इक्वल करिए, इफ टी प्लस अंडर रूट 15 विल बी इक्वल टू जीरो, अगर टी प्लस 15 इक्वल इसके जीरो के इक्वल होगा तो क्या होगा, ये अंडर रूट 15 को आप जीरो को उधर सेट करेंगे, माइनस 15 हो जाएगा, यानी टी की वैल्यू यहां पे बेटा आपको क्या मिलेगी, माइनस अंडर रूट 15। और ये दूसरा सिनेरियो यानी कि एंड इफ, और यदि ये वाला जीरो के बराबर हुआ यानी कि टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू जीरो, तो देखिए माइनस 15 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो टी विल बी इक्वल टू प्लस 15, और प्लस को हम लिखते हैं, तो यहां से देखिए हमें क्या हो गए, जीरो हमें बेटा मिल गया, ठीक है। एक जीरो क्या है, माइनस अंडर रूट 15 है, और एक क्या है प्लस 15 है, तो इसे हम क्या करते हैं लिख लेते हैं, सो जीरो इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 15 कॉमा 15, इसे आप अल्फा बीटा भी मान सकते हैं, दैट विल बी आल्सो करेक्ट। एंड यहां से आप एबीसी की वैल्यू निकाले, देखिए सो ए की वैल्यू जो टी स्क्वायर के बगल में जो कोफिशियंट होगा, देखिए टी स्क्वायर के बगल में फिलहाल कोई कोफिशियंट नहीं है, सो अगर कोई कोफिशियंट ना मिले बेटा तो आप क्या मानेंगे, 1 अज्यूम करेंगे, ठीक है। अब बी की बात, यानी केवल टी वाला कोफिशियंट, तो देखिए यहां पे केवल टी वाला कोफिशियंट है ही नहीं, मतलब वो टर्म ही नहीं है, यानी कि इस बार बी की वैल्यू क्या है बच्चा, 0 है, और कॉन्स्टेंट आपको कितना दिया गया है, माइनस 15। देखिए इतना हमारा ये हो गया है सॉल्व, तो अब चलिए कर लेते हैं वेरिफिकेशन इसका भी, बहुत इजी तरीके से जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं। सो पहले हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, जिसे हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इट विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए बी अपॉन ए का मतलब क्या हुआ कि टी वाला कोफिशियंट, ठीक है। चलिए अब अल्फा की वैल्यू यहां पे क्या है, माइनस अंडर रूट 15, और बीटा कितना है बेटा, 15 है, और यहां बी की वैल्यू तो देखिए आपने यहां पे देखा ये कितना बच्चा, 0 है, तो यानी ये हो जाएगा माइनस 0 अपॉन ए की वैल्यू आपने मानी हुई है 1, तो देखिए माइनस 15 है ये प्लस 15 अंडर रूट में, तो ये कट जाएगा और आपको यहां क्या मिल जाएगा, 0, और अगेन देखिए 0 में ये करेंगे तो हमें यहां भी क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, यानी कि यहां से हमें फिर से जो सोल्यूशन चाहिए था वही मिल गया है और बिल्कुल सही। तो ये टर्म बेटा यहाँ पे देखिए क्या हो गया, वेरीफाई हो चुका है, यानी कि हमारा जो सोल्यूशन, हमारा जो आंसर आया हुआ है, जीरो का वैल्यू जो आया हुआ है, दैट इज प्रॉपरली करेक्ट। अब क्या निकाल लेते हैं हम लोग, प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, इट विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए, नाउ अगेन माइनस अंडर रूट 15 अल्फा की वैल्यू, एंड हियर वैल्यू इज 15। अब यहां पे देखिए सर सी अपॉन ए आपको लिखना है, यहां पे देखिए सी की वैल्यू आपको बेटा कितनी मिली हुई, माइनस 15, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 मिली हुई, ये देखिए 1 हमने पुट कर दिए हैं। अब देखिए यहां पे आपको एक रूल पता होना चाहिए, कभी बेटा अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 यानी दो सेम वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन होता है
तो जो 5 होता है वो अंडर रूट के बाहर आ जाता है, ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जब अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 का मल्टीप्लाई होगा तो जो केवल 8 15 है वो बेटा कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और ये माइनस हमने यहाँ भी माइनस लगा दिया है। अब ये देखिए 1 तो आप रिमूव कर ही सकते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर आ चुका है RHS is equal to LHS. So this one has been also verified, यानी कि हमारा जो आंसर था बिल्कुल सही था। So everyone take screenshot of this question. आइए आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So let's wrap it. I wish कि आप लोगों ने बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और सभी बच्चे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, नोटिफिकेशन बिल्कुल भी ऑन कर लें, जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और डायरेक्टली आप उस वीडियो को देख पाए, जल्दी से आप एक्सेस कर पाए, कोई भी वीडियो आपकी मिस ना। सोचा हियर इज द लास्ट क्वेश्चन विच इज गिवन हियर 3x² - x and - 4। तो चलिए देखिए ये टर्म आपको मिल गया है, फिर से आप वही काम करेंगे क्या, लेट कर लीजिए। सो लेट इस बार टर्म आपका पॉलीनोमियल क्या होगा, पीएक्स। सो पीएक्स इज इक्वल टू 3x² - x - 4। देखिए एग्जाम में आपको ये स्टेप करना है, ठीक है, डायरेक्टली आप नहीं करेंगे। अब यहां पे क्या लिखे, इन केस ऑफ 0, जब 0 सा केस होगा तो क्या हो जाएगा, पीएक्स विल बी इक्वल टू 0। सो देखिए यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 3x² - x - 4 will be equal to 0। क्यों, क्योंकि px की जगह हमने क्या दिया, 0 दिया। अब देखिए यहां पे आपको टर्म पहचानना अब तक आ गया होगा कि यहां पे a क्या है, -3, b देखिए x है बट b की यानी x के बगल में कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि आप 1 मानेंगे, तो b की वैल्यू कितनी है, -1, और c यहां पे आपको -4 दिया ही गया है। तो चलिए c यानी कि 4 को और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो c है -4 और ये है +3, तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है बेटा 4 3 12 माइनस मिल रहा है, किसे मिल रहा है, माइनस में, यानी कि यहाँ पे आपको कोई वैल्यू ऐसी पुट करनी है, मल्टीप्लाई करने पे आपको 12 मिली और माइनस करने पे 1 मिली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 अंडरस्टूड है, यानी ये कितना लिखा हुआ है, 1x लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। सो 3x² - x को बाहर रखेंगे तो क्या इस, अगर 1 है तो इसे 4 - 3 लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि 4 × 3 वी विल गेट 12 एंड 4 - 3 वी विल गेट 1, मींस दैट वी आर डूइंग करेक्टली, इट विल बी इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस माइनस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करना है, सो 3x² माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बिकम 4x, माइनस एंड माइनस हियर इट विल बिकम प्लस, एंड नाउ x एंड दिस इज 3, सो इट विल बिकम 3x एंड -4 विल राइट इट हियर। So now it's time to take common values. So look, what is the common value in it? The common value is x. Okay, so let's take it that x we have taken as common. So here will be what? 3x and here will be -4. Plus, so देखिए 3x - 4 यहाँ पे दिया गया है और ये टर्म भी वही है, देखिए मिलता जुलता है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल +1 कॉमन लिख लेना है। सो 3x - 4 will be also here will be equal to 0. Now what is the common value in these two? 3x - 4 is the common value, इसे हम बाहर लिख लेंगे। So 3x - 4 is here, so what will remain here? Only x, and here will be 1. So we got the system. हमें क्या करना है? Situations को pick करना है. The first situation is what? If 3x - 4 will be equal to 0, then what will be the value of x? ये 4 shift हो जाएगा इधर, +4 हो जाएगा, और 3 upon में आ जाएगा. It means that x is equal to, we are going to get 4/3 as a first digit. And if, यानी कि second term को लेंगे क्या, which is x + 1 = 0, then what will be the value of x? It will be -1. So देखिए हमें यहाँ से क्या मिल गया बेटा, zeros मिल गए हैं, तो चलिए लिख लेते हैं। So zeros is equal to 4/3 - -1 and यहां से देखिए आप चाहें तो अब एबीसी की वैल्यू भी आप क्या करिए, फाइंड आउट कर लीजिए फिर से, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, इट इज 3, एंड वैल्यू ऑफ बी लुक हियर इज माइनस, यानी यहां पे 1 होगा वो माइनस में होगा, यानी कि -1, एंड सी ऑलरेडी हियर -4 इज हियर। सो नाउ इट्स टाइम टू डू द वेरिफिकेशन।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, सम. सो सम ऑफ जीरोस मींस दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. नाउ लुक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, इट इज गिवन हियर 4 अपॉन 3 एंड बीटा इज माइनस 1 मींस दैट माइनस 1. नाउ वैल्यू ऑफ बी इज गिवन हियर माइनस 1 यानी माइनस 1 विद इन ब्रैकेट और ये बाहर का जो माइनस ये भी लगा दीजिए एंड अपॉन ए इट मींस दैट 3. सो लुक इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस ही माइनस हो गया यानी 4 से 3 को माइनस कर देंगे, 4 ऊपर हो गया बेटा 3 1 जा 3 और माइनस में सो इसे हम 4 अपॉन 3 ऐसे लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 1 अपॉन 3. आई विश ये समझ में आया होगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस यहां माइनस हो गया एंड 3 1 जा 3. ओके बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है. सो 4 में से 3 को माइनस किया 1 और अपॉन में 3 एंड अगेन वी गॉट द वैल्यू व्हिच वाज रिक्वायर्ड व्हाट दैट आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस. यहां पे आप क्या लिख देंगे, वेरीफाई, क्योंकि आपका टर्म क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस व्हाट विल बी सी अपॉन ए, हियर व्हाट विल बी द प्रोडक्ट अल्फा इनटू बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 4 अपॉन 3 एंड हियर इज बीटा इज माइनस 1 सो लेट पुट इट माइनस सी इज हियर माइनस 4 तो माइनस 4 अपॉन ए, ए मींस व्हाट 3 नॉट्स सॉल्व. सो देखिए माइनस यहां पे है 1 का तो मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज होगा नहीं बट हियर वी विल गेट माइनस सो माइनस 4 अपॉन 3 इट विल बिकम एंड इट इज ऑलरेडी गिवन इन द सेम फॉर्म व्हिच वाज रिक्वायर्ड. सो लुक अगेन वी गॉट द सेम वैल्यू LHS is equal to RHS means that. So this question also has been verified. So look students, in this way today we have finished exercise 2.2 first question. These all the questions of first we have solved here. So I wish that आप लोगों को समझ में आया होगा. So चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई क्लास के साथ जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस उसे सॉल्व करेंगे. But yes, before that कोई भी अगर आपको डाउट है कहीं पे कुछ और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को भी मैं कवर कर लूंगा. सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो.